क्या बात कर रहे हैं, आपके टीम में कई लोगों को पता है ओरोपे का साइट इसलिए बंद है और वो बंद ही रहेगा, खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ओरोपे का सारा चीजें जो है वो ट्रांसफर हो गया ब्लॉक पे में, ओरोपे हो गया लेयर इन्फिनिटी, अब लेयर इन्फिनिटी चलेगा ना कि ओरोपे। झारखंड के अपराध अनुसंधान विभाग ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अपराध अनुसंधान विभाग के डीजी अनुराग गुप्ता ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अमित जायसवाल नामक व्यक्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वो मूल रूप से बिहार के पटना सिटी के रहने वाला है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर अमित जायसवाल ने अब तक लगभग 200 लोगों से 5 करोड़ रुपए तक का निवेश कराया है। इन करोड़ों रुपयों का अमित जायसवाल ने पूरी तरह से फ्रॉड किया। अनुराग गुप्ता ने बताया कि अमित जायसवाल महंगे होटलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जोड़ने का काम करता था, बाद में उनसे निवेश करके फ्रॉड कराता था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त अमित जायसवाल के पास से 3 मोबाइल 3 सिम बरामद किए गए। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। अनुराग गुप्ता ने कहा कि दिल्ली से गिरफ्तार कर रांची लाया गया, कुछ अहम जानकारियों के लिए अमित जायसवाल को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। औरतें का साइड बंद है, ये तो आइडिया नहीं है किसी का इसको लेकर कुछ भी। क्या बात कर रहे हैं, आपके टीम में कई लोगों को पता है ओरोपे का साइट इसलिए बंद है और वो बंद ही रहेगा, खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ओरोपे का सारा चीजें जो है वो ट्रांसफर हो गया ब्लॉक पे में, ओरोपे हो गया लेयर इन्फिनिटी, अब लेयर इन्फिनिटी चलेगा ना कि ओरोपे। ओके, हां तो लेयर इन्फिनिटी का फिर साइट खुलेगा अपना। हाँ, लेयर इन्फिनिटी का सब कुछ आएगा, लेयर इन्फिनिटी प्रॉपर वर्क करेगा, मतलब हम लोग का जो कॉइन है लेयर इन्फिनिटी, हाँ हाँ, वो आराम से रखिए, मजा आएगा, मजा दे देगा वो, ठीक है, वो प्रॉपर वर्किंग चीज है। ओरोपे का पूरा डेटा शिफ्टिंग होना था, पूरा का पूरा डेटा जो है ब्लॉक पे में शिफ्ट हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो जब माइग्रेशन हो गया तो ओरोपे झुंझुना बजाएगा लेके। नहीं सर, बहुत सारे ऐसा आइडिया जो अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ उसका फिर क्या होगा? नहीं तो वो सारा का सारा ये क्या कहते हैं दिया हुआ है ब्लॉक पे को, हमने जो मेल किया था ना वो सारा का सारा चीज है, जिसका नहीं हुआ है वो सब हो जाएगा। Okay. लेकिन अब जो है, हाँ, ओरोपे ने प्रॉपर सारा चीज जो है डेटा वाला जो चीज था वो सारा चीज वहाँ पे चला गया, तब इसीलिए तो ओपन था नवम्बर से लेके, पिछले साल नवम्बर से लेके ओरोपे सिर्फ इसलिए ये अपने आप को ओपन कर रखा था ताकि उसका डेटा शिफ्टिंग माइग्रेशन चल रहा था। Okay. जब पूरा ट्रांसफर हो जाएगा तो उसको हट जाना था। यानी कहने मतलब ओरोपे का साइड खत्म हो गया, लेयर इन्फिनिटी का साइड लेकर आएगा और इससे डेवलपमेंट कर रहा है, यानी ये माना जाए कि लेयर इन्फिनिटी में लेयर इन्फिनिटी का कुछ ऐसा नहीं, लेयर इन्फिनिटी एक प्रॉपर कॉइन है, लेयर इन्फिनिटी को एमएलएम से आईडी से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि लेयर इन्फिनिटी में अच्छा पैसा लोग कमाएंगे। हाँ, अब लेयर कह तो रहा हूँ ना, लेयर इन्फिनिटी बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट हो गया, लेयर इन्फिनिटी प्रॉपर कॉइन है जैसे जेन्युइन कॉइन होता है। Okay. इसका कोई एमएलएम एलएम आईडी गुडी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये बड़ा मजेदार हो जाएगा फिर इस में। हाँ, तो ये जो हुआ ना लेयर इन्फिनिटी वो चीज अच्छा हुआ। अब ओरोपे का साइट तो काफी टाइम पहले बंद हो गया, तो मुझे पता ही है, मुझे लगता है 20-25 दिन हो गए, महीना दिन हो रहा होगा। ओरोपे का साइट बंद हुआ और अभी ब्लॉक पे का साइट अचानक बंद हुआ और जो पैसा नहीं मिला तो लोग में हड़कंप मच गया। अरे भाई, इसका ब्लॉक पे का साइट पहली बार बंद हो रहा है। चला क्या बोले, अभी टीम में क्या हो रहा है ना सर, पैसा मिल नहीं रहा है तो लोग ऐसे ही परेशान है। अभी छोटे छोटे चीजों में लोग एकदम उलझ ये हो जा रहे हैं, पदल हो जा रहे हैं। बोल ना, ऐसा जब फोन आने लगा ना अभी, कि क्या बताऊं मैं आपको। अरे अभी तो देखा है तो इतना जल्दी चीज मिला, पहले तो दो तीन तीन दिन साइड बंद रहता था, कोई दिक्कत नहीं आता था। भाई हर समय बोल तो ना, अभी दो लोग से बात हुआ, इस कदर बात कर रहा भड़क के कि साला स्कैम हो गया, ये हो गया, मतलब पागल वगल हो गया क्या साला, स्कैम हो गया तो कैसा बात कर रहा है, फालतू वाला बात कर रहे हो। अरे चलिए, मतलब खुल जाएगा साइट। अरे भाई, जब पहले हमेशा चलता था तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, पहली बार हुआ है क्या ये? नहीं, वही बात है, सही बात है। नहीं चले, ठीक है सर, पहले तो 5-5, 6-6 दिन भी बंद रहा है, उसके बाद भी शुरू हुआ है। हाँ, कहना सही है, लेकिन सर अब 5-6 दिन बंद रहेगा तो लोगों में हड़कंप मच जाएगा, समझे। अरे मैं एक एग्जांपल देके कह रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है सर, इसलिए मैंने कॉल किया, थोड़ा बात लीजिए, कुछ अपडेट होगा तो थोड़ा बताइए, पर्सनली मुझे कम से कम बता दीजिएगा, बात कीजिए। पर अच्छा, हाँ एक और चीज़ के लिए बात करना था, ये इंद्रित मुखर्जी लोग सर दुबई के लिए दिया था ये अपना फंड जो दिया था सिक्योरिटी मनी, उसका सर क्या हुआ सर? इंद्रित मुखर्जी ने किसको फंड दिया था दुबई के लिए? अरे दुबई जाने के सिक्योरिटी मनी दिया था ना ब्लॉक पे को, ये ओरोपे को।
इसके बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है सर। इसके बारे में थोड़ा अपडेट दीजिए सर, क्योंकि एक डेढ़ महीना पहले याद कीजिए, एक डेढ़ महीना पहले से रिगार्डिंग बात हुआ था, तो वहाँ पर आपने रिप्लाई दिया था कि बात हुआ प्लान से कि उन लोगों का टूर करवाया जाएगा, ये आप ही ने बताया था एक डेढ़ महीना पहले। भाई शशि जी ने दिया होगा, इंद्रजीत मुखर्जी की जो भी बात होती है ना, मेरे से बात नहीं होती है, शशि जी की बात होती है। अब सर अगर आपसे बात नहीं होता तो मैं ये पर्सनली बताऊंगा सर कि थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग ऊपर बात कीजिए और के जो भी सीनियर हैं, क्योंकि देखिए सर बिजनेस के अंदर रिटर्निंग देना ना देना लेयर इंटीटी या ओपे या ब्लॉक पे एक अलग सीनेरियो है, लेकिन टूर के नाम पे जो लिया गया है सिक्योरिटी डिपॉजिट $500 का एटलीस्ट, वो तो सर कंपनी रिफंड कर दे सर। कल अजय राम जो झारखंड पुलिस वाले वो कॉल किए हुए थे, इसका सिक्योरिटी मतलब ना तो हम लोग दुबई घूमे, सिक्योरिटी फंड मेरा कम से रिटर्न करवाइए। कौन अजय राम कौन है? अरे यहाँ धनबाद पुलिस है ना। नहीं तो किसके टीम में? टीम है हमारा, वो एक्चुअली वो राजस्थान भगत रांची वाले का टीम में है, लेकिन दुबई उसका भी क्वालिफाई था तो वो नहीं जा पाया था, तो इंद्रजीत मुखर्जी के साथ हम लोग उसको मर्ज कर दिए थे। उसके टीम के साथ उसका क्या मतलब है भाई, हमारे साथ दुबई नहीं जा पाया, उस वक्त उसको छुट्टी नहीं मिल पाया था, उससे क्या प्रॉब्लम है, दुबई जाना था तो। तो सर रिक्वेस्ट है मेरा थोड़ा सा इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट फंड जो है सर उसको कम से कम थोड़ा बात करें, बोलिए सर रिलीज कर दिया कंपनी सर। मान लीजिए देखिए ट्रेडिंग फ्रेडिंग कंपनी का जो लेवल है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया गया एज अ ट्रेवल्स के नाम पे वो तो रिफंड कर दे कम से कम। तो थोड़ा सा इसके लिए हम सतीश जी को कल कॉल किए हुए थे, तो बोले ठीक है मिजी से हम बात करके बोलते हैं तो उसका फंड को रिफंड करवा दिया जाए। तो कम से कम सर सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो फंड लिया गया सर इंद्रजीत मुखर्जी लोग का, वो कम से कम प्लीज सर रिटर्न करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है ना, तो उनका जवाब इसी तरीके से निकलता है सर। कोई जगह अगर नहीं जवाब है तो हम चाहेंगे प्रॉपर इसका जो भी जवाब है, क्योंकि देखिए सर यहाँ पर कंपनी का जो भी प्रॉब्लम है वो एक अलग लेवल का है, लेकिन अगर आपने एक ट्रैवल के नाम पे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया तो वो तो एक अलग चीज़ हो गया, और लोगों का कहना है कि अब हमको दुबई में नहीं जाना भैया, मेरा पैसा वापस करवा दो। अब जब दुबई जाना नहीं है तो भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दो, जब आप ले जाओगे फिर उसमें लोग देगा, सीधा सा बात है। तो थोड़ा सा सर इसका बात करें सीरियसली, हमको इसका रिप्लाई दीजिए हमको, ठीक है इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी ब्लॉक का थोड़ा सा साइड का देखिए, पता कीजिए क्या इशूज है, जो भी होगा पर्सनल अगर नहीं होता तो मुझे मैसेज या वॉइस मैसेज डाल के भी मुझे अपडेट कर दीजिए कम से कम। ठीक ठीक है सर, चलिए ओके।